नमस्कार। सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला नियोजन भवन में ली गई दिव्यांगों की कार्यशाला। पातुर बालापुर मार्ग पर ओवरटेक के प्रयास में दुर्घटना, एक की मौत। विधवा पर लैंगिक अत्याचार के 6 नराधम गिरफ्तार। बालापुर अकोला मार्ग पर कर रहे हैं अकुशल कामगार जोखिम भरा काम। मलकापुर वन परिक्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बनाया जा रहा है कोयला। दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न उपक्रमों की जानकारी तथा उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में दिव्यांगों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न उपक्रमों की जानकारी तथा उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रमुख अतिथि के रूप में उपजिलाधिकारी राजेश खवले, उपविभागीय अधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, तहसीलदार राजेश्वर हांडे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यशाला का आयोजन पहली बार ही जिलाधिकारी तथा महाराष्ट्र राज्य विकलांग कर्मचारी व दिव्यांग बेरोजगार संगठन के तत्वावधान में किया गया। इस कार्यशाला में दिव्यांगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया गया व अन्य प्रकार की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। इस कार्यशाला में दिव्यांग महिला पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पातुर बालापुर मार्ग पर मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक की मौत हो गई। इस मार्ग पर जा रही मोटरसाइकिल को ओवरटेक के प्रयास में ट्रक ने उड़ा दिया। पातुर पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त किया। पातुर बालापुर मार्ग पर ओवरटेक के प्रयास में ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पातुर बालापुर मार्ग से मलसूर निवासी रमेश सोनाजी देवकते अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे, तब पीछे से आ रहे ट्रक ने ओवरटेक के प्रयास में मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस घटना में रमेश सोनाजी देवकते की घटनास्थल पर मौत हो गई। पातुर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त किया। विधवा महिला के साथ 6 नराधमों ने लैंगिक अत्याचार किया था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने बालापुर पुलिस थाने में की थी। पुलिस ने सभी 6 नराधमों को विभिन्न धाराओं के तहत हिरासत में लिया है। बालापुर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले सांगवी जोमदेव में सामूहिक अत्याचार के प्रकरण में पुलिस ने 6 नराधमों को गिरफ्तार किया है। सांगवी जोमदेव निवासी 30 वर्षीय विधवा अपने पुत्र के साथ गाँव में रह रही थी। इसी गांव के 6 नराधमों ने बारी बारी से अत्याचार किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सांगवी जोमदेव निवासी श्री कृष्ण भिकाजी चौके, नारायण भिकाजी चौके, सुरेश नत्थुजी चौके, नंदकिशोर महादेव गाठे, वाल्मीकि दयाराम पाखरे व अमोल गजानन पांडे को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। आगे की जाँच बालापुर के थानेदार विनोद ठाकरे कर रहे है। पोलीस स्टेशनला अपराध नंबर 133/18 कलम 376(d), 376(2)(n), 506 IPC भादवी प्रमाणे गुन्हा नोंद केला। गुन्ह्यातील एकूण 6 आरोपीपैकी श्रीकृष्ण भिकाजी चौके, नारायण भिकाजी चौके, सुरेश दिनकर चौके, नंदकिशोर महादेव गाळे चौके, नंदकिशोर महादेव गाळे, सर्व राणा सांगवी, तसेच वाल्मीकि दयाराम पाखरे राणा सांगवी, हे असे 5 आरोपी घटनेच्या दिवशी
सव्वीस तारखेलाच काल रोजी त्यांना अटक केलेली आहे. आज रोजी त्यांना जेएमसी कोर्ट बाळापूर येथे सबमिट करून त्यांचा पोलीस कस्टडी घेऊन ह्या गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने सर्व आवश्यक माहिती त्यांच्याकडून आम्ही मिळवित आहोत. सदर गुन्ह्याचा तपास सपोनी वाघमोडे हे करीत. बालापुर से अकोला महामार्ग पर बिजली के नए पोल लगाने का काम शुरू किया गया. इन काम में अकुशल कामगारों को लगाया गया है. इन अकुशल कामगारों की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है. बालापुर से अकोला महामार्ग क्रमांक 6 पर बिजली की नई लाइन डालने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत बिजली के पोल खड़े किए जा रहे हैं. इस काम में संबंधित विभाग द्वारा अनुभवी व विशेषज्ञ कामगारों की बजाय दूसरे राज्य से आए कामगारों को लगाया गया है. बिजली पोल पर तारे लगाना, पोल खड़ा करना आदि प्रकार के काम इन अकुशल कामगारों से कराए जा रहे हैं. इन अकुशल कामगारों को किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जबकि ऐसे धोखादायक कामों के लिए सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, गम बूट अनिवार्य होते हैं. कई फुट ऊंचे बिजली पोल पर चढ़कर अकुशल कामगार अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं. दूसरे राज्यों से आए अकुशल कामगारों के नाम भी स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराए गए हैं. यदि कोई कामगार दुर्घटना का शिकार होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है. एक ओर सरकार वृक्षारोपण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर लकड़ी से कोयला बनाया जा रहा है, जिसके कारण मलकापुर वन परिक्षेत्र में वन संपदा तेजी से नष्ट होती चली जा रही है. मलकापुर परिसर में बड़े प्रमाण में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर उससे कोयला बनाने वाले रैकेट सक्रिय हो गए हैं, जिसके कारण मलकापुर तहसील की वन संपदा तेजी से खत्म हो रही है, जिसकी ओर वन विभाग ध्यान तक देने के लिए तैयार नहीं है. एक ओर राज्य सरकार वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपयों की योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है. वन विभाग की नाक के नीचे पेड़ों की कटाई कर उसकी लकड़ियों से कोयला बनाया जा रहा है. बुलडाना जिले के मलकापुर तहसील के वन परिक्षेत्र में पेड़ों की कटाई चल रही है. कोयला माफियाओं द्वारा पेड़ों की कटाई की जाती है और इन पेड़ों को जलाकर उसका कोयला बनाया जा रहा है. तैयार कोयले को राज्य समेत दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है. बुलडाना जिले में कोयला बनाने वाली कई टोलियां सक्रिय है. मलकापुर वन परिक्षेत्र के पेड़ों को काटकर खुली जगहों में पेड़ों को जलाकर कोयला बनाया जा रहा है, जिसके कारण वन संपदा तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही वायु प्रदूषण भी बड़े प्रमाण में हो रहा है. दूसरी ओर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के बाद भी वन विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है. इस वन परिक्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारियों को सारी जानकारी होने के बाद भी केवल आर्थिक लाभ के चलते इस ओर अनदेखी की जा रही है. पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ियों से कोयला बनाने के गोरख धंधे को लेकर संबंधित वन परिक्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु वे कैमरे के सामने आने से कतराते रहे. तेजी से वन संपदा को नष्ट करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है. सिटी न्यूज के लिए मलकापुर से विजय कुमार वर्मा की रिपोर्ट. अकोला जिला परिषद के राजश्री सभागृह में स्थायी समिति की सभा ली गई. इस सभा में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष व बचे हुए कामों पर चर्चा की गई. अकोला जिला परिषद स्थायी समिति की सभा राजश्री सभागृह में ली गई. अंतिम वित्तीय वर्ष के अंतिम को देखते हुए जिला परिषद के बाकी कामों को तुरंत पूरा करने की मांग जिला परिषद सदस्यों ने की. मार्च का अंतिम सप्ताह रहने के बाद भी अधिकांश अधिकारी अवकाश पर है, जिसके कारण काम पेंडिंग पड़े हुए है. जिले के शोष गड्ढों के काम में भ्रष्टाचार होने के कारण जांच की मांग भी सदस्यों ने की. अतिरिक्त सीईओ छुट्टी पर होने के कारण कई काम रुके पड़े है, जिसकी ओर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है. 29 से 30 मार्च अवकाश के दिन भी पंचायत समिति शुरू रखने की मांग सदस्यों ने की. ताड़पत्र खरीदी में अनेक लाभार्थी वंचित है. शौचालयों के काम बोगस किए गए हैं. महिला बाल कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है. हुक्का पार्लर प्रकरण के शिक्षकों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, सहित अन्य मुद्दों पर स्थायी समिति खासी चर्चा में रही. मार्च का अंतिम सप्ताह होने के कारण कई योजनाओं को तुरंत पूरा करने की मांग सभी सदस्यों ने की.
जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने मूर्ति जापुर में दो जगहों तथा पुराना शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले सोमठाना परिसर में चल रहे जुए अड्डे पर छापा मारकर 1 लाख से अधिक का माल व नकदी जब्त की। इस कार्रवाई के कारण जुआ चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर द्वारा गठित विशेष दस्ता प्रमुख हर्षराज अरलसपुरे ने मूर्तिजापुर शहर व पुराना शहर पुलिस थाने के हद में चल रहे 3 वर्ली अड्डों पर छापे की कार्रवाई की, जिसके कारण वर्ली संचालकों में हड़कंप मच गया है। मूर्तिजापुर के भगत सिंह चौक पर चल रहे वर्ली के अड्डे पर छापा मारकर शेख जावेद शेख सलीम संतोष रामकिशन दुबे को गिरफ्तार किया, जबकि राजू देशमुख फरार हो गया। इस कार्रवाई में नगद व मोबाइल इस प्रकार 20,000 का माल पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई इसी चौक पर की गई। इस कार्रवाई में भावेश ईश्वरलाल राम को गिरफ्तार कर 1,220 का माल जब्त किया गया। तीसरी कार्रवाई पुराना शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले सोम थाना शेत शिवार में की गई। इस कार्रवाई में मंगेश किशन राव गोतमारे, अतुल अशोकराव एडने व शंकर अशोक ठाकरे को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में नकदी, मोबाइल, मोटरसाइकिल इस प्रकार 1,74,180 रुपए का माल जब्त किया गया। बालापुर तहसील के वाड़ेगांव परिसर के निर्गुना नदी पर बने पुल पर लगी लोहे की रेलिंग के पाइप गायब किए जा रहे हैं, जिसकी ओर समय रहते ध्यान न दिया गया तो पूरी लोहे की रेलिंग गायब होने की संभावना है। बालापुर तहसील के वाड़ेगांव परिसर के निर्गुना नदी पर लगी सुरक्षा रेलिंग के लोहे के पाइप निकालकर गायब करने की घटना काफी बढ़ गई है, जिसके कारण लोहे की रेलिंग गायब होने की कगार पर आ गई है। इस पुल से भारी वाहनों की आवाजाही लगी ही रहती है, जिसके कारण वाहनों को दुर्घटना से बचाने के लिए लोहे की रेलिंग लगाई गई थी। अब लोहे की रेलिंग के पाइपों को निकालकर गायब किया जा रहा है। समय रहते इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा कुछ दिनों में ही निर्गुना नदी के पुल पर लगी हुई बची हुई लोहे की रेलिंग भी गायब होने की पूरी पूरी संभावना है। किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों को भाव न मिलने के कारण किसान हताश हो गए हैं। बुलडाना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने स्वाभिमानी किसान संगठन व किसानों ने अपने टमाटर का माल फेंक कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद बाजारों में लाई जा रही सब्जियों को उचित भाव न मिलने से किसानों व स्वाभिमानी किसान संगठन ने बेचने के लिए लाए गए टमाटरों को बुलडाना जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर फेंक कर अपने गुस्से का इजहार किया। सरकार के विरोध व तानाशाही वृत्ति के खिलाफ स्वाभिमानी किसान संगठन ने जमकर नारेबाजी की। इस समय रविकांत तुपकर ने बताया कि सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान न करने पर मंत्रालय में सब्जियां फेंकने का आंदोलन किया जाएगा। बाजारों में किसानों की सब्जियों को जितने पैसों में खरीदा जा रहा है उतने पैसों में उनका आने जाने का किराया भी नहीं निकल पा रहा है। इन मिट्टी मोल भाव से तंग आकर किसानों ने बाजार में बेचने लाई गई सब्जियों को रास्ते पर फेंक कर कड़ा विरोध जताया। इसी के साथ भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस कारण स्वाभिमानी किसान संगठन के युवा नेता रविंद्र तुपकर समेत लगभग 100 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। टमाटर फेंकने के कारण यहाँ कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। बुलडाना के डीसी ऑफिस में एसटी चालकों व अधिकारियों के बीच भारी वाद विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई। इस घटना में 3 एसटी चालक घायल हो गए, जिसमें से एक गंभीर घायल को अकोला उपचार के लिए भेजा गया है। बुलडाना के डीसी कार्यालय में चालक और अधिकारियों के बीच हुई जमकर मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। शेगांव डिपो के 3 चालक प्रमोद पोहरे, संदीप वानखेड़े एवं जीएस शेगोकार ने 3 माह पहले विभागीय नियंत्रण अधिकारी कार्यालय के सामने अपनी विविध मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इस आंदोलन के कारण डीसी कार्यालय में इन 3 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर वेतन से कटौती करने की चेतावनी भी दी गई थी। इस बात को लेकर 3 कर्मचारी डीसी कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे थे।
विभागीय नियंत्रण अधिकारी अनिल मेहतर से चर्चा करते समय अधिकारी एवं कर्मचारियों में जमकर विवाद हो गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई, जिसमें प्रमोद पोहरे, संदीप पानखेड़े एवं जीएस शेगोकार घायल हो गए। घटना के बाद तीनों को उपचार के लिए जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पोहरे की हालत चिंताजनक होने के कारण उसे गहन उपचार के लिए अकोला अस्पताल भेजा गया। अपनी एडवांस होम्योपैथी उपचार पद्धति से पूरे राज्य में प्रसिद्ध डॉक्टर उदय नाइक ने फिर से एक असाध्य रोगी को ठीक करने का कारनामा कर दिखाया है। डॉक्टर उदय नाइक ने अभी तक हजारों रोगियों को ठीक कर सामान्य जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। पूरे राज्य में अपनी एडवांस होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के कारण प्रसिद्ध डॉक्टर उदय नाइक ने फिर से अपने उपचार से एक महिला रोगी को ठीक करने में सफलता पाई है। नागपुर निवासी श्रद्धा शेंडे नामक महिला को कमर में दर्द, शरीर पर सूजन, पेट दर्द, वजन का अधिक होना में परेशानियां थी, जिसके कारण काम में मन न लगना, उत्साह न होना की समस्याएं पैदा हो गई थी। नागपुर की श्रद्धा शेंडे ने कई डॉक्टरों के पास उपचार कराया था, परंतु किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने नाइक होम्योपैथी में उपचार शुरू किया। उपचार शुरू होते ही एक महीने में आश्चर्यजनक अंतर दिखाई देने लगा और 5 महीने में ही कमर दर्द, शरीर की सूजन, पीठ दर्द नहीं के बराबर हो गया। इतना ही नहीं, उनका 22 किलो वजन भी कम हो गया। अब उनमें उत्साह का संचार हो रहा है और काम में भी मन लग रहा है। माझं नाव श्रद्धा शैलेश शिंदे, मी नागपूरला राहते आणि माझे ट्रीटमेंट नाईक होमिओपॅथीमध्ये सुरू आहे आणि गेल्या 5 महिन्यांपासून माझं 21 किलो वजन कमी झालेलं आहे। मला जो बाकीचा त्रास होता, पाठीतला दुखणं वगैरे, ते सर्व नॉर्मल झाले आहे। आता कोणताच त्रास नाही मला। आतापर्यंत म्हणजे मला जे आराम मिळाला त्याच्यात मी 60% तरी आरामात आहे, म्हणजे प्रॉब्लेम नाही आला तेवढा काही। आणि मी याच्यासाठी नाईक होमिओपॅथीचे धन्यवाद करते। आमच्या नागपूरच्या क्लिनिकमध्ये ह्या श्रद्धा नावाचे पेशंट आले होते आणि खरं तर ह्या लठ्ठपणा करता आल्या होत्या। त्याच वेळेस त्यांना तरतरी वाटत होती, उत्साह वाटत नव्हता, दम लागायचा, कंबर दुखायची, पाठ दुखायची, अंगावर सूज होती आणि त्यांचं कोणत्याही कामात मन नव्हतं लागत आणि अशा परिस्थितीत ते आल्या होत्या। आणि त्यांनी सातत्याने उपचार घेतला आणि 5 महिन्यामध्ये त्यांचं 21 किलो वजन कमी झालेलं आहे। हे मला इथे सांगायचं आवर्जून की होमिओपॅथीने नुसतं वजनच कमी नाही झालं तर त्यांच्या चेहऱ्यावर तेज आलं, त्यानंतर त्यांचा आत्मविश्वास वाढला। यापूर्वी ते कधी कॅमेरावर बोलले नाही। त्यानंतर त्यांचं पाठ दुखी, कंबर दुखी, उत्साह, उमंग सगळं छान झालं आणि इथे एकाच उपचाराने आपला संपूर्ण शरीराचा उपचार झाला। इथे खूप महत्त्वाची बाब आहे आणि हे ॲडव्हान्स होमिओपॅथीने शक्य आहे। तर मला हे सांगायचं आहे की जर एखादा रुग्ण एखाद्या आजाराकरता आला असेल तर त्याचे इतरही आजार बरे होतात, बहुतांशी आजार एकाच उपचाराने बरे होतात, हीच वैशिष्ट्य आहे ॲडव्हान्स होमिओपॅथीचं। 30 मार्च से 3 अप्रैल तक कृषि विद्यापीठ के परिसर में जिला कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी समेत कृषि संबंधी जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार की जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आगामी 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक जिला कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रदेश के कृषि विभाग व कृषि तकनीक व्यवस्थापन एजेंसी की ओर से यह आयोजन किया गया है। 5 दिनों तक आयोजित इस कृषि महोत्सव में किसानों के लिए नई व उन्नत तकनीक, अपने अनाज को बाजार में प्रस्तुत करते हुए सीधे ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी, विभिन्न औजार, मशीनरी, यंत्र सामग्री, खाद, कीटनाशक, बीज, सिंचाई के साधन आदि प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस दौरान सेंद्रीय खेती माल की बिक्री के लिए दालान होगा, धान्य महोत्सव, खरीददार विक्रेता सम्मेलन, किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आधार कार्ड लेकर आने वाले किसानों को निशुल्क सिम कार्ड, साथ में 7-12 लाने पर कृषि कार्ड निशुल्क दिया जाएगा। इस महोत्सव का लाभ उठाने का आह्वान आत्मा की ओर से किया गया है। जिला परिषद के शिक्षकों को हुक्का पार्लर में पुलिस ने पकड़ा था। इस प्रकरण के दोषियों को अभय दिया जा रहा है। इन शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला परिषद के सामने आमरण अनशन शुरू किया गया।
जिला परिषद के शिक्षकों को हुक्का पार्लर में नशीला पदार्थ का सेवन करते समय पुलिस ने पकड़ा था। उन शिक्षकों पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद देवलाल पाटिल ने जिला परिषद के पास आमरण अनशन शुरू किया है। प्राथमिक शिक्षण अधिकारी को इस प्रकरण की जानकारी होने के बाद भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया है। इन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम टाकली खोजबल निवासी अरविंद पाटिल ने आमरण अनशन शुरू किया है। जी पोलिसांनी धाड टाकली त्यामध्ये पंचायत समिती पातूरमध्ये 10 शिक्षकांवर अंमली पदार्थ सेवन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेले आहेत। त्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राची बदनामी झालेली आहे, त्यामुळे या शिक्षकांवर प्रथम निलंबनाची कारवाई करून व संयुक्त चौकशी करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे अशी माझी मागणी आहे। अकोला महानगरपालिका अंतर्गत आने वाले शिवनी निवासी मनोहर विष्णुपंत लोनकर को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जिसके उपचार के लिए लगभग 5 लाख रुपयों का खर्च बताया गया है, जिनकी आर्थिक सहायता का आवाहन दानदाताओं से किया गया है। अकोला महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले प्रभाग क्रमांक 14 के शिवनी निवासी मनोहर विष्णुपंत लोनकर को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जिनकी घर की परिस्थिति बेहद खस्ता हाल है। डॉक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए 4 से 5 लाख रुपयों का खर्च बताया है। इस ऑपरेशन के लिए दानदाताओं से सहायता का आवाहन किया गया है। ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए जिन दानदाताओं को मनोहर विष्णुपंत लोनकर की आर्थिक मदद करने की इच्छा है, वे मदन नारायण बैतुल्ले के भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिवर के खाता क्रमांक 3351165718 में सहायता राशि जमा कर सकते हैं, अथवा रामनगर शिवनी के उनके घर के पते पर प्रत्यक्ष मदद कर सकते हैं। इस प्रकार का आवाहन किया गया है। नानी सासूबाई हे माझे इथे 7 वर्षापासून राहत आहेत आणि मी यांचं पालन पोषण 7 वर्षापासून करत आहोत। यांना 2 मुले आहेत आणि 1 मुलगी आहे। त्यांची मुलं काही काम करू शकत नाही आणि त्यांना पोहोचू शकत नाही, त्यामुळे ते माझ्यापाशी आहेत आणि मी त्यांचा 7 वर्षापासून सांभाळ करतो। आणि आता त्यांची बिमारी झाल्यानंतर मी त्यांना दवाखान्यात बऱ्याच वेळ 2-3 वेळ समजा मेन हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं आणि त्याच्यानंतर नाही जमलं तर त्यांनी सुट्टी दिली, घरी आणलेलं आहे। 1 वर्षापासून ते बिमार आहेत आणि त्यांना आता मी केळकरच्या इथं ॲडमिट केलं होतं। त्यानंतर 18 तारखेला त्यांचा MRI येते काढला, त्यानंतर मला माहीत झालं की बा डॉक्टरांनी सांगितलं की त्यांना ब्रेन ट्यूमर झाला, त्यासाठी त्यांचं ऑपरेशन करणं जरुरीचं आहे। जे माझ्याकडे होत होतं ते मी आतापर्यंत केलं, आता माझी सोय नाही आहे, त्यासाठी कोणी जर जी मदत करायची असाल ती मदत मला तुम्ही करा। बाकी वर्गणी करून आम्ही करून राहिलो, सर्व जे माझे मित्रमंडळ आहेत आणि दोस्तानेवाले ओळखीचे जे काही आहेत गावातले, काहीच नाही पैसे, काहीच नाही आमच्या सगळे सरले आहेत, ते सगळं झालं तर विनंती करावं कसं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला नियोजन भवन में ली गई दिव्यांगों की कार्यशाला। पातूर बालापुर मार्ग पर ओवरटेक के प्रयास में दुर्घटना, 1 की मौत। विधवा पर लैंगिक अत्याचार के 6 नराधम गिरफ्तार। बालापुर अकोला मार्ग पर कर रहे हैं अकुशल कामगार जोखिम भरा काम। मलकापुर वन परिक्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बनाया जा रहा है कोयला। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।